सरकारी स्कूलों के 3000 बच्चे एनडीए की कोचिंग के लिए देंगे परीक्षा। हरियाणा में डेंगू से 2 की मौत, सकते में स्वास्थ्य विभाग। पलवल हरियाणा के शुद्ध शाकाहारी पहलवान संजय सिंह जी ने 7वां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आज देहरादून उत्तराखंड में 23,205 पुशअप का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर 30,000 लगातार पुशअप 10 घंटे 10 मिनट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक गिनती में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनता भी एससीओ देशों में निवास करती है। हिसार के उपायुक्त उत्तम सिंह आर्य हाई स्कूल पटेल नगर हिसार अंडर-17 लड़कों की हॉकी टीम से मिलने हॉकी मैदान सेक्टर 16/17 पहुंचे समाजसेवी योगराज शर्मा। हिसार रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज 3-4 दिन से फटे हाल में लहरा रहा है। जब एक इतने बड़े विभाग में ये हाल है कि राष्ट्रीय ध्वज की कोई सुध लेने वाला नहीं, तो छत पर लगे हर घर तिरंगे का क्या हाल हो रहा होगा। चरखी दादरी जिले के गांव बलाली निवासी विनेश फोगाट ने कुश्ती में ही अपना परचम लहराते हुए देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। हरियाणा सरकार द्वारा खिलाड़ी विनेश फोगाट का नाम पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है, जिसको लेकर बलाली गांव में परिजनों व ग्रामीणों में खुशी की लहर है। भाजपा की विचारधारा पसंद करने वाले हर व्यक्ति का भाजपा में स्वागत, ओम प्रकाश धनखड़। हरियाणा में पहले 30/9/2022 तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने की तिथि निर्धारित की थी। अब इस तिथि को 30/11/2022 तक बढ़ाने का पत्र राज्य चुनाव आयोग ने सरकार को लिखा है। हरियाणा में 136% तक बढ़े साइबर अपराध, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और रेवाड़ी शीर्ष स्थान पर। चंडीगढ़ पहुंचे मुर्दे, सुखना झील पर घूमे बुआ और फूफा, पेंशन के लिए खुद के जिंदा होने के दिए सबूत। विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे दादा ओम प्रकाश चौटाला व चाचा अभय को भतीजे दिग्विजय की चुनौती। रेलवे विभाग में शक्तियां घटाने पर कमर्शियल और स्वास्थ्य विभाग में कागजी जंग, रेल मंत्रालय पर टिका फैसला। 6 घंटे से पानीपत कोर्ट में आसाराम का बेटा नारायण साई, अब 20 से चलेगा ट्रायल। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के 17 सितंबर से बोर्ड वेबसाइट www.bseh.org.in पर करें आवेदन। गुरुग्राम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हंगामा, पार्षद बोले हमारी तो वैली हो गई खत्म, निगम में चल रही हिटलर शाही। सीएम के प्रस्तावित दौरे से पहले लामबंद होने लगे किसान संगठन, बनाने में जुटे प्रशासनिक अधिकारी। 5 राज्यों से जुड़ा हरियाणा का ये बैराज बनेगा पर्यटन हब, पर्यटक उठा सकेंगे रिवर राफ्टिंग रोमांच का लुफ्त। लाठी से पीट पीट कर साधु की हत्या के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला, आरोपित को आजीवन कारावास। दिल्ली पटियाला हाईवे पर बड़ा हादसा, कई लोगों को कुचलता चला गया तेज रफ्तार वाहन, 2 की मौत 2 घायल।